हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है प्रॉपर्टी लॉ की क्लास होने वाली है और प्रॉपर्टी लॉ में हम आपको जो है लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। ये आपका एग्जाम पेपर आपका जो है एक पेपर कैसे आपका होना है उसका एक जो है आपका तरीका मोटिव बता सकता है, ठीक है। तो इस पेपर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। केवल आपको क्वेश्चन को समझना मतलब पढ़ना नहीं होता, उसको समझना भी होता है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक जो है ढलान, एक आपका जो वहाँ पे जो है छाया प्रति मिल जाएगी कि आपका एग्जाम कैसा और कितने जो है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, उस तरीके का आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये आपका लास्ट ईयर 2021 का पेपर है, ठीक है, और LLB थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का पेपर था, तो हम वही को हल कराते हैं। अब जिनका पेपर जो है जैसे BA LLB 5 सेमेस्टर के हैं तो उनका भी पेपर जो है, उनका पेपर भले ही ये नहीं है लेकिन उनका सिलेबस सेम टू सेम होता है। जो LLB थर्ड सेमेस्टर का है वही LLB 5 सेमेस्टर का सिलेबस, BA LLB 5 सेमेस्टर का सिलेबस होता है। तो ये मत सोचना कि हम ये क्यों पढ़ें, ये तो थर्ड सेमेस्टर वालों का पेपर है, लेकिन नहीं, आपका सिलेबस सेम है तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आपको ये पेपर जो है पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए अच्छे से। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बाय एक करके अपना क्वेश्चन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन संपत्ति अंतरण अधिनियम आपका कब जो है प्रवर्तित हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, मतलब यह जो है कब आपका प्रवर्तित हुआ। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1 जुलाई 1882, आपका ऑप्शन बी 1 सितंबर 1882, 1 अक्टूबर 1882, 1 नवंबर 1882। तो यहाँ पर जानिए आपका जो है जो कॉन्ट्रैक्ट ला था वो आपका 1872 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद ये 10 साल बाद ये स्टार्ट हुआ, तो मतलब 82 में तो स्टार्ट हुआ, लेकिन आपके इसमें तारीख कौन हो जाएगी तो आपका 1 जुलाई तारीख हो जाएगी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 2 किस विधि को जो है प्रभावित नहीं करती है, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, क्रिश्चियन विधि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अध्याय 2 है उसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि उसमें जो है मुस्लिम विधि है उसको ये प्रभावित नहीं करती है। मुस्लिम विधि में जैसा चीज़ें चल रही वैसा ही चलेंगी, इसका जो है संपत्ति अंतरण का मुस्लिम विधि में कोई चीज़ें जो है प्रभावित नहीं करेंगी, लागू नहीं होंगी। चैप्टर 2 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट इफेक्ट ऑन विच लॉ, कौन से जो है लॉ को जो है इफेक्ट नहीं करती है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ या फिर नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पर जो आपका मुस्लिम लॉ हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस धारा में संपत्ति को परिभाषित किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस प्रॉपर्टी। तो इसमें जो है आपका जो है किसी भी जो है धारा में आपको प्रॉपर्टी को जो है डिफाइन नहीं किया गया, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। संपत्ति अंतरण को आपको जो है धारा 5 में परिभाषित किया गया है, संपत्ति अंतरण को, लेकिन संपत्ति को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। निम्न में से कौन सी धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है, तो आपकी धारा 5 हो जाएगी। संपत्ति अंतरण को कौन परिभाषित करती है, आपकी धारा 5 जो है संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है, ठीक है। धारा 6 में यह बताया गया कि जो है किस चीज़ का जो है आपका जो है संपत्ति अंतरण हो सकता है, ठीक है। तो ये धारा 6 में बताया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपका जो है सेक्शन 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन निम्न में से किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, स्थावर संपत्ति आपका क्या होता है, स्थावर संपत्ति वो होता है जो आपकी जो है अचल संपत्ति होती है उसको जो है स्थावर संपत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है मार्ग का अधिकार, ऑप्शन 2 भाटक का वसूल करने का अधिकार, यहाँ पे भारक का वसूल करने का अधिकार, ठीक है, पूजा का अधिकार, यहाँ पे भारक नहीं यहाँ पे भाटक होता है, ठीक है, भाटक हो सकता है, ठीक है, पूजा का अधिकार, और ऑप्शन 3 आपका मछली पकड़ने का अधिकार, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इमूवेबल, हाँ इमूवेबल आपका जो है 111 यहाँ पे नहीं होगा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे राइट टू वे आपका मार्क का अधिकार, राइट टू रिकवर रेंट, राइट टू वर्शिप या फिर फर्स्ट फिश कैचिंग राइट। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पूजा का अधिकार है, इसको यहाँ पे जो स्थावर संपत्ति में नहीं रखा गया है, इसको आपका जो है चल संपत्ति में रखा गया है पूजा का अधिकार को, ठीक है। पूजा आपकी जो है चल संपत्ति है, पूजा आपकी कहीं भी जा सकती है, ठीक है। मान लो कोई लड़की पूजा है, ठीक है, तो उस लड़की तो जो है चल संपत्ति होगी ना, वो कहीं पर भी जा सकती है, उसको आ जाती है। तो उसी तरह से समझ लीजिए पूजा का अधिकार जो है उसको जो है चल संपत्ति में रखा गया है, अचल में नहीं रखा गया है। निम्न में से कौन अचल संपत्ति है, कॉपीराइट, प्रॉफिट ए, फ्रेंड ए, रॉयल्टी या फिर साख। तो अचल संपत्ति कौन है,
अचल ये आपकी कॉपीराइट आपकी चल संपत्ति होती है। जैसे आज आपने जो है बुक लिखा, ठीक है, और इसको आप ट्रांसफर करना चाहें किसी दूसरे के नाम पे, तो आप जो है कॉपीराइट को जो है सेंड कर सकते हैं, मतलब वो चल संपत्ति हो जाएगी आपकी। रॉयल्टी भी आपकी जो है चल संपत्ति होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो साख होता है वो आपकी जो है चल संपत्ति नहीं होती, ठीक है। क्रेडिट जो होता है वो चल संपत्ति नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुयोज्य दावा है? अनुयोज्य दावा जो है इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे बंधक ऋण, मध्यवर्ती लाभ डिक्री या फिर भविष्य निधि। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है भविष्य निधि हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? सूचना का परिभाषित करती है, तो धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, यहाँ पे तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का मामला किससे संबंधित है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं ये पहला वाद का क्वेश्चन है, और यही आपका थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट, मतलब टफ क्वेश्चन हो सकता है जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन आपको आते होंगे। ये आपके इजी क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन ऐसे टाइप के माने जाते हैं, क्योंकि इसमें याद करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका जो संबंधित कैसे है, आपका धारा 3 से संबंधित कैसे है आपका, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा स्वत्व का अंतरण नहीं होता है? तो आपका जो है क्या हो जाएगा? एक्सचेंज डीड, विल डीड, गिफ्ट डीड या फिर सेल डीड, मतलब विनिमय विलेख, वसीयत विलेख, दान विलेख या फिर विक्रय विलेख। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वत्व का जो है अंतरण नहीं होगा, ठीक है। तो किसमें आपका जो है टाइटल का ट्रांसफर नहीं होता है? तो इसमें आप देखिए यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर जो है आपका वसीयत विलेख में जो है इसका ट्रांसफर नहीं होता। वसीयत करवाने से विनिमय में आप जो है क्या एक्सचेंज कर लेते सामान को, एक सामान दिया दूसरा सामान लिया तो एक्सचेंज हो गया, ठीक है। दान आप लोग यहाँ पे सीधे दे देते हैं, विक्रय विलेख में या उसको आप बेच देते हैं, और वसीयत में वसीयत आप लिखी तो जाती है लेकिन यहाँ पे आप देते नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अंतरण नहीं होता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 से 37 लागू है? तो 5 से 37 मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये आपकी अचल संपत्ति के लिए है। और अचल संपत्ति यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे तो नाम ही नहीं लिखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन गलत है। अचल संपत्ति को और क्या क्या कहते हैं? आपको जंगम संपत्ति कहते हैं, स्थावर संपत्ति कहते हैं, और उसी को जो है जंगम एवं स्थावर संपत्ति दोनों हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अंतरण है? भार, ऋण का अंतरण, विभाजन या फिर समर्पण। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चार्ज ट्रांसफर ऑफ डेप्ट पार्सियन आपका सरेंडर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका जो विभाजन जो है ये आपका जो है अंतरण के अंतर्गत आपका आता है। निम्न में से कौन जीवित व्यक्ति में सम्मिलित नहीं है? जीवित व्यक्ति में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी आप इसको भी जीवित व्यक्ति में रखा गया है, संघ इसको भी जीवित व्यक्ति में, व्यक्तियों का निकाय मतलब समूह इसको भी जीवित व्यक्ति में, और मूर्ति को जो है जीवित व्यक्ति में नहीं रखा गया है। निम्न में से कौन संपत्ति अंतरण में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति अंतरण में कौन से सम्मिलित नहीं है? विक्रय पट्टा, दान, वसीयत। तो यहाँ पे आपका संपत्ति अंतरण में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपको जो है वसीयत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है संपत्ति अंतरण में सम्मिलित होता है। 5 टाइप से आपका संपत्ति का अंतरण होता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतरणी नहीं है? निहित हित, संश्रित हित, आपका जो है उत्तराधिकारी का संभावना, पट्टाधारी का हित। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? आपका जो है उत्तराधिकारी की संभावना जो है आपका अंतरणी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे जानते रानी लक्ष्मीबाई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की जो है कोई जो है संतान नहीं थी, उन्होंने एक जो है संतान को गोद लिया, ठीक है, वो दामोदर को उन्होंने गोद लिया था। तो दामोदर को गोद लिया तो आप सोचो वो अंतरणी, वो किसी को ट्रांसफर कर दें, तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि अंतरणी नहीं है। गोद आपने जो लिया है तो क्या हुआ, उसको अंतरणी मतलब जो है वो लिया ना, गोद ले लिया, तो उत्तराधिकारी की संभावना उससे जो है आपकी बन जाती है ना, तो वो अंतरणी नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतरित की जा सकती है? तो वाद लाने का अधिकार, लोकपद, पेंशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अंतरित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो यहाँ पे देखिए वाद लाने का अधिकार, जैसे आपका केस है कोई दूसरा वाद ला सकता है, ठीक है। लोकपद आपका पद है, आपका पद किसी दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है।
अंतरणीय है। पेंशन, पेंशन भी आपको जो है अंतरणीय हो जाता है, ठीक है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऊपर जो है इसमें से कोई सी चीज़ आपको जो है अंतरित नहीं, मतलब अंतरित की जा सकती है, ठीक है। कौन सी चीज़ अंतरित की जा सकती है, तो उसमें से सब कुछ आपको अंतरित किया जा सकता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, हाउ में एक्सपेंशन कंटेंट सेक्शन 6 टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ला, मतलब धारा 6 में कितने अपवाद हैं, तो धारा 6 के अपवाद आपके कितने हैं, तो धारा 6 में आपके जो है यहाँ पर जो है 10 अपवाद होते हैं, ठीक है। 10 अपवाद धारा 6 में है। निम्न में से कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है धारा 9 हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है मौखिक अंतरण का, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग उतनी देर से देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 18 क्वेश्चन करवा चुके हैं, और 18 में से 14 क्वेश्चन आपके जो है धाराओं पे आधारित क्वेश्चन होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस धारा पर 12 लागू नहीं होता है, विक्रय द्वारा अंतरण पे, दान द्वारा अंतरण पे, विनिमय द्वारा अंतरण, या फिर पट्टा द्वारा अंतरण पे, किस पे आपका धारा 12 लागू नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका जो है पट्टा द्वारा जो अंतरण होता है उसके ऊपर धारा 12 लागू नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा अजन्मे बच्चे के फायदे से संबंधित है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, मतलब आजाद बच्चे के फायदे से संबंधित है, तो उसका आपका जो है क्या हो जाएगा, धारा 12, 13, 14 या फिर 15। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका धारा 13 हो जाता है, धारा 13 आपका आजाद बच्चे के फायदे से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन, शाश्वतता के जो है विरुद्ध नियम आपका किससे संबंधित है, तो शाश्वतता का विरुद्ध नियम आप लोग जानते हैं धारा 14 से संबंधित है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, सादिक हुसैन बनाम हाशिम अली का मामला किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं, थोड़ा बहुत आपको याद करना ही पड़ेगा, आजन्मा से साइप्रस का सिद्धांत, शाश्वतता का सिद्धांत, या फिर मौखिक अंतरण, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका शाश्वतता का सिद्धांत हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है वाद वाला, ठीक है, केसेस वाला, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा निर्वाचन के सिद्धांत से संबंधित है, निर्वाचन का सिद्धांत आपका जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, तो यहाँ पे आपका धारा 35 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है इलेक्शन का, निर्वाचन का सिद्धांत जो है धारा 35 में बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा स्वामी से संबंधित है, धारा स्वामी के, स्वामी से संबंधित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू द ऑनरेबल ऑनर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो है धारा 40 जो है ये आपका जो स्वामी से संबंधित होती है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, जब दयाल पोदार बनाम जय दयाल पोदार बनाम बीपी हजारा का मामला संबंधित है, किससे संबंधित है, निहित हित से, निर्वाचन का सिद्धांत से, निर्सत्ता के विरुद्ध नियम से, या फिर दृश्यमान स्वामी से। तो यहाँ पे आपका देखिए निहित हित का जो है जिसमें आपका जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है, निर्वाचन का सिद्धांत मतलब इलेक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, शाश्वतता का जो सिद्धांत या फिर दृश्यमान, दृश्यमान वो होता है जो केवल आपका दिखाई देता है लेकिन असल में वो स्वामी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दृश्यमान स्वामी से हो जाता है। जैसे आपका ये प्रॉपर्टी ए है, ये किसकी है, मान लो ये बी की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको जो है सी यहाँ पे जो है चला रहा है, ठीक है, दिखा रहा है, तो ये दृश्यमान स्वामी होता है, ये आपका ओरिजिनल स्वामी होता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, राम कुमार कुंदू बनाम मैकबेन का मामला किससे संबंधित है, धारा 41, धारा 42, धारा 43 या फिर धारा 44। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका धारा 41 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन सी धारा कोई व्यक्ति अपने से जो है अच्छा स्वतः अंतरित नहीं कर सकता, कि जो है मतलब इस चीज़ पे आधारित है, कौन सी जो है धारा पे आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे धारा 35, 40, 42 या फिर 41 और 43 दोनों। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका धारा 41 और 43 दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, आपका बेलामी बनाम सेवायन का मामला जो संबंधित है आपका किससे संबंधित है, तो आपका यहाँ पे शाश्वतता के नियम हो जाए, विरुद्ध नियम हो जाएगा, या फिर आपका निर्वाचन का जो है सिद्धांत, लंबितवाद का सिद्धांत, या फिर आपका दृश्यमान स्वामी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जो है लंबितवाद का सिद्धांत हो जाएगा।
लंबित वाद वो होते हैं जो आपके कोर्ट में चल रहे होते हैं, पेंडिंग में होते हैं, वो आपके लंबित वाद होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा कपट पूर्वक अंतरण से संबंधित है? तो कपटपूर्ण अंतरण आप जानते हैं कौन सी धारा है, तो वहां पे आपका जो है धारा 53 हो जाता है कपटपूर्ण अंतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा भागिक पालन से संबंधित है? तो भागिक पालन आप लोग जानते हैं कि धारा आपका क्या होता है, आपका धारा 53 आ हो जाता है। ठीक है, कपटपूर्ण अंतरण आपका 53 हो जाएगा, भागिक पालन आपका जो है 53 आ हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली की मामला जो है किससे संबंधित है? लंबित वाद, भागिक पालन, संभावित उत्तराधिकार या फिर आजन्म में बच्चे का अधिकार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है आपका भागिक पालन हो जाएगा, मतलब धारा 53 ए से। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा मार्शलिंग का सिद्धांत आपका में मतलब मार्शलिंग का सिद्धांत समाहित करती है? तो धारा 56 और 81, 54, 81, 56, 82 और 81, 82। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 32, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 56 और 81 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, कूपर बनाम कूपर का मामला किससे संबंधित है? तो आपका जो है क्या हो जाएगा, शाश्वतता के विरुद्ध नियम से, निर्वाचन के सिद्धांत से, भागी अनुपालन का सिद्धांत या फिर लंबित न्याय का सिद्धांत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका निर्वाचन का सिद्धांत, मतलब आपका धारा 35 से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बंधक को उल्लेख आपका जो है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम में नहीं है? किस बंधक का उल्लेख आपका संपत्ति नियंत्रण में नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंग्ल, एनामलस, स्वत विलेख का जमा करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बंधक आपके 6 टाइप के होते हैं, और सादा बंधक करके आपका बंधक होता है। ठीक है, ये सब बंधक आपको जो है अगर थ्योरी पढ़े होते तो आपको समझ में आता। अगला आपका क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन क्या अंतरित किया जा सकता है? आपका सुखाधिकार, राजनीतिक पेंशन, ठीक है, आपका स्टाइपेंड्स और आपका जो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सुखाधिकार को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस धारा में आपका समेकन का सिद्धांत को बताया गया है? तो वहाँ पे धारा 61, 63 या फिर 65। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 61 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस धारा में दुर्भर दान की जो है संकल्पना की गई है? तो दुर्भर दान आपका जो किसमें बताया गया है, धारा आपका 127 में बताया गया है। भावी संपत्ति का दान कहाँ पे बताया गया है? ये आपका जो वैध होता है, शून्यकरणीय होता है, शून्य होता है या फिर अनियमित होता है। तो भावी संपत्ति आपका फ्यूचर में जो संपत्ति होती है उसका दान क्या हो जाएगा, आपका शून्य होता है। संपत्ति में होने वाला जो है दान आपका शून्य होता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, किसी लिखित संविधा या फिर स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषक पट्टा की अवधि उपधारित की जाएगी? ऑप्शन 1 मासिक, ऑप्शन 2 अर्धवार्षिक, ऑप्शन 3 जो है वार्षिक, ऑप्शन 3 त्रैमासिक। किसी लिखित संविधा या फिर स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषक पट्टा की अवधि उपधारित की जाएगी। जो कृषक का पट्टा होगा उसमें जो है आपका जो है वार्षिक फसल को जो है किया जाता, आपका मासिक होता ही नहीं, त्रैमासिक होता ही नहीं। ठीक है, आपको जो है वार्षिक और अर्धवार्षिक में जो है कन्फ्यूजन होगा, तो आपका यहाँ पे वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका वार्षिक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कृषक पट्टा आ गया। निम्न में से किस धारा में भार का उल्लेख किया गया? भार आपका धारा सौ में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा विक्रय को परिभाषित करती है? तो धारा 55, 56, 57 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रत्याशन का सिद्धांत लागू होता है? प्रत्याशन आपका क्या होता है? ठीक है, ये भी आपको जो है काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं प्रत्याशन से। तो यहाँ पे प्रत्याशन का सिद्धांत आपको किसके ऊपर लागू होता है, विक्रय बंधक पट्टादान। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बंधक हो जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, यदि दान के प्रतिग्रहण के पूर्व दाता की मृत्यु हो जाए तो दान है सामयिक, वैध, शून्य या फिर शून्यकरणीय? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से किसका मौखिक अंतरण किया जा सकता है? वार्षिक पट्टा, पट्टा का समर्पण, 100 रुपये से अधिक का विनिमय या फिर साधारण बंधक। तो यहाँ पे आपका साधारण बंधक या फिर जो है ये सब ऑप्शन है,
तो यहाँ पे आपका पट्टा का समर्पण है उसका मौखिक अंतरण हो सकता है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते, किसके ऊपर नहीं लागू होते हैं? आपका दान है तो शाश्वत अंतरण, व्यक्तिगत संविदाएं या फिर निहित हित या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पे आपका लागू नहीं होगा। निम्न में से कौन सी धारा आपका जो है पट्टा को परिभाषित करती है? तो आपकी पट्टा की धारा क्या होती, धारा 106, धारा 108, धारा 110 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि धारा जो आपका पट्टे की धारा होती है वो आपका जो धारा 105 में बताया गया और यहाँ पे धारा 105 दी ही नहीं गई। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, प्रवाद कुमार दास बनाम दांता मराठी कंपनी लिमिटेड का मामला किससे संबंधित है? निर्वाचन का सिद्धांत, भागिक पालन का सिद्धांत, पट्टा या फिर दान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका निर्वाचन का सिद्धांत हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, एक लिखित प्रमाणन है तो कितने साक्षी होने चाहिए? तो वहाँ पे आपके साक्षी की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपके दो हो जाएंगे, कितने साक्षी आपकी दो होंगी। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धारा पट्टा करता है पट्टाधारी के अधिकार एवं दायित्व का उल्लेख करती है? तो आपका ऑप्शन, पट्टाधारी के जो है दायित्व की बात की जाए ना तो उसके दायित्व जो है आपके धारा 108 में बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी धारा 108 दी नहीं गई है तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन, का खा को अपनी संपत्ति जो है जीवन भर के लिए और तत्पश्चात आजन्मे पुत्र को जीवन भर के लिए अंतरित करता है? आजन्मे पुत्र का किया गया जो संपत्ति होगी वो आपकी शून्य, अवैध, वैध या फिर शून्यकरणी क्या होगी? तो यहाँ पे आपका जो है वैध होगी। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मामला कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है? आपका मुसहर साहू बनाम हकीम लाल, गुलाम अब्बास बनाम कयूम अली, भारत संघ बनाम राजेश्वरी एंड कंपनी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका मुसहर साहू बनाम हकीम लाल हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस धारा में कोचिन्नी बनाम कुंजू पिल्लाई का जो है मामला संबंधित है? धारा 14, 12, 10 या फिर आपका 6। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर धारा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि धारा 6 में कि क्या आपको अंतरित किया जा सकता है। धारा आपका प्रत्याशन से कौन सी धारा संबंधित है? तो प्रत्याशन से धारा की 90, 91, 92 या फिर 93 कौन से संबंधित है? तो धारा 92 आपकी प्रत्याशन से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, इतना तो सिंपल है आपकी धारा को याद करना। अगला आपका क्वेश्चन, का सा के न्यास। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं और समझना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, अगर जो आपको समझ में आए तो कर लेना, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे सी वाला जो है निहित हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, उन्मोचन बंधन का हृदय है या कथन आपका किससे संबंधित है? उन्मोचन बंधन का हृदय है या कथन आपका जो है कौन इसको बोला था, किसने जो है किससे यह संबंधित है? तो आपका धारा जो है यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे लॉर्ड हार्सबरी हो जाएगा, लॉर्ड डेवी हो जाएगा, लॉर्ड डेलविन हो जाएगा या फिर आपका एटकिन हो जाएगा, तो लॉर्ड हार्सबरी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम का मामला किससे संबंधित है? मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे आया था, नहीं यहाँ पे नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निहित हित, समाश्रित हित, निर्वाचन का सिद्धांत या फिर लंबित वाद का सिद्धांत, तो किससे आपका यह संबंधित हो जाएगा? आपका निर्वाचन के सिद्धांत से यह संबंधित आपका धारा है। अगला आपका क्वेश्चन, संटले बनाम वाइल्ड का मामला किससे संबंधित है? तो आपका विक्रय, बंधक, पट्टा या फिर दान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या, बंधक हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा अध्याय 7 आपका किस पे लागू नहीं होता? हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, ईसाई या फिर पारसी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हिंदू विधि हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन शर्त अवैध है, परिवार के बाहर विक्रय नहीं, अंतरण के से जो है जीवन भर के विक्रय नहीं, भिन्न धर्म के व्यक्ति को विक्रय नहीं या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतरण से जीवन भर विक्रय नहीं। ठीक है, अंतरण के जीवन भर विक्रय नहीं। निम्न में से कौन सी धारा आपका पट्टा के पर्यवसान से संबंधित है? पट्टा का पर्यवसान अगर बात की जाए तो उससे संबंधित आपका धारा
111 मतलब 111 हो जाती है। निम्न में से कौन सा दान का आवश्यक तत्व नहीं है? तो वहाँ पे दाता अदाता, देने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए, अंतरण आपका होना चाहिए मतलब देना तो चाहिए ही, प्रतिफल मतलब दान के बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो मतलब आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, अधिधारणा का प्रभाव क्या है? अधिधारणा का आपका प्रभाव क्या है? अवैध, नवीनीकरण, पर्यायवसान या फिर शून्य? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा पट्टे के अतिधारणा के प्रभाव से संबंधित है? धारा 112, धारा 114, धारा 116 या फिर धारा 113? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धारा 116 हो जाएगा। ठीक है, पट्टे के अधिधारण से आपका जो बताया गया, ठीक है, अतिधारण का प्रभाव आपका धारा 116 में बताया गया। ठीक है, और धारा ये आपका अध्याय 5 में है, और अध्याय 5 आपका क्या है कि स्थावर पट्टे के, स्थावर संपत्ति के पट्टों का विषय इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दान आपको किस में बताया गया है? 122 में, धन का विनिमय 121 में, विनिमय आपका 118 में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें कौन सा सही संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब सही है, तो यहाँ पे आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे दान आपका जो है किसमें बताया गया है? ठीक है, 122 में बता रहा है, सही बात है। आपका जो है धन के विनिमय जो है वो भी आपका 121 में बताया गया है, सही बात है। आपका विनिमय जो केवल है, केवल एक्सचेंज है, वो भी आपका 118 में, तो यहाँ पे जो है ये सब सही है। ठीक है, और सही सुमेरित नहीं है इसकी बात की गई, तो यहाँ पे आपका धारा है जो है मतलब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि धारा, निम्न में से कौन अनुयोज्य धारा से संबंधित है? अनुयोज्य धारा से आपका क्या संबंधित है? तो यहाँ पे देखते हैं, धारा 129, धारा 130, धारा 136 या फिर धारा 138? तो यहाँ पे आपका जो है अनुयोज्य धारा से जो है संबंधित आपकी धारा 130 हो जाती है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा बंधकित ऋण से संबंधित है? ठीक है, बंधकित ऋण से संबंधित आपकी धारा 135, 136, 137 या फिर 138? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बंधकित ऋण से बात अगर की गई तो यहाँ पे आपका ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, और करेक्ट आंसर आपका जो है 134 होता है। 66 का आपका जो है 134 आंसर आपका सही होता है, क्योंकि बंधकित ऋण जो है 134 में आपका बताया गया है, और यहाँ पे 138 धारा तो दे दिए हैं लेकिन 138 चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, धारा 139 संबंधित है किससे? भारतीय संविधान अधिनियम से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पराक्रम लिखित या फिर कंपनी से? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है यहाँ पे सी, पराक्रम लिखित बताया गया, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला का क्वेश्चन, निम्न में से यहाँ पे आपकी जो है धारा 139 नहीं होगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी धारा ऋण के अंतरण से संबंधित है? अब ऋण के अंतरण से संबंधित धारा को देखते हैं, तो ऋण के जो है अंतरण से संबंधित धारा आपकी धारा 131, 132, 133 या फिर आपका 134? तो इस किससे आपका संबंधित है? तो देखो, बंधकित ऋण आपका जो है 134 में बताया गया है। ठीक है, और ऋण का शोधन क्षमता को आपका 133 में बताया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी जो बिल्कुल ऋण की बात नहीं की गई, तो आपका ऋण से संबंधित शोधन की क्षमता की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपका जो धारा 133 हो जाएगा, लेकिन शोधन क्षमता की बात की जाएगी तब ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और धारा 131 जो है वो आपका जो सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना बताया गया है, ना कि ऋण के अंतरण को बताया गया। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में कितने कुल अध्याय हैं? तो अध्याय आपके कितने हैं? 8 आपके अध्याय हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम में। ठीक है, कितने अध्याय हो जाएंगे? 8 आपके अध्याय हो जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विनिमय अध्याय 5, दान अध्याय 6, अनुयोज्य दावा अध्याय 7 या फिर उपरोक्त में से सभी सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर ऊपर सभी सुमेलित आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी सुमेलित हो जाएगा। तो विनिमय आपका जो है किस अध्याय में बताया गया है? तो विनिमय आपका जो है अध्याय 6 में बताया गया, लेकिन यहाँ पे अध्याय 5 लिखा है। दान आपका किस में बताया गया है? तो दान आपका जो है अध्याय 6 में जो है नहीं बताया गया। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पट्टा के विषय में सत्य नहीं है? पट्टा के विषय में
आपका पट्टा जो अध्याय पांच में बताया गया है ये सत्य है या नहीं सत्य है, आप लोग जानते हैं ये आपका बिल्कुल सत्य है। पट्टा की परिभाषा 105 में है, बिल्कुल सही है। पट्टा का निर्धारण आपका धारा 111 में बताया गया है, लेकिन ये आपका गलत है। ये आपका पट्टा का निर्धारण 111 में नहीं, पट्टा का पर्यवसान आपका 111 में बताया गया है, तो यहाँ पे आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पट्टा का निर्धारण या फिर पर्यवसान जो है ये आपका 111 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम का अधिनियम नंबर है, संपत्ति अंतरण अधिनियम का अधिनियम नंबर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अधिनियम नंबर मतलब आपका यहाँ पे अध्याय, अध्याय नंबर हो जाएगा। ठीक है, अध्याय नंबर। ठीक है, 2, 4, 6 या फिर 5, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका 2 नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं है। भारतीय सुखाचार अधिनियम आपका कब पारित हुआ था, तो 17 फरवरी 1882, 17 मार्च 1882, 17 मई 1882 या फिर 17 जनवरी 1882, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है 17 फरवरी 1882 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय सुखाचार अधिनियम का जो है अधिनियम, भारतीय सुखाचार अधिनियम का अधिनियम संख्या क्या है, तो यहाँ पे धारा आपका 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है 5 हो जाता है। भारतीय सुखाचार अधिनियम में धाराएं समविष्ट हैं, तो यहाँ पे कितनी धाराएं हैं, 30, 51, 64 या फिर 70, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी 64 हो जाएगा। कौन सी धारा सुखाचार को परिभाषित करती है, 2, 3, 5 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो धारा आपकी कौन सी हो जाएगी, तो धारा आपकी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी धारा में प्रथायत सुखाचार का उल्लेख है, 17, 18, 16, 15, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस अधिकार को चिरभोग द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे आपका जो है एक मिनट, यहाँ पे सुखाचार अधिनियम में धाराएं समविष्ट हैं, कितनी आपकी धाराएं समविष्ट हैं, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे जो है प्रोक सही हो जाएगा। ठीक है, 77 में आपका जो है यहाँ पे ये आपका 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे 18 आपकी जो है धाराएं हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिकार का चिरभोग द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता, तो ये अधिकार की बात की गई, तो यहाँ पे आपकी जो है जमीन के खुले स्थल के लिए वायु के अवाध मार्ग, तटवर्ती जल का अधिकार, ऐसा अधिकार जो अधिकार की विषय वस्तु का विनाशकारी हो, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, एक सुखाचार को अर्जित किया जा सकता है चिरभोग द्वारा, स्थानीय प्रथा, आवश्यकता या फिर उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धारा अनुसेवी स्वामी से संबंधित है, ऑप्शन 1, 9, 10, 11 या फिर 12, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे धारा आपकी जो है 9 संबंधित हो जाएगी। निम्न में से कौन सुखाचार को अर्जित कर सकेगा, कब्जाधारी, स्वामी, अभिकर्ता या फिर उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे, वह भूमि जिसके फायदाप्रद उपभोग के लिए अधिकार विद्यमान है कहलाता है, अनुसेवी स्वामी, अनुसेवी संपत्ति, देखो वह भूमि, तो भूमि की बात हो जाएगी, तो यहाँ पे स्वामी तो कैसे भी नहीं होगा। ठीक है, जिसके फायदाप्रद उपयोग के लिए जो है अधिकार विद्यमान कहलाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है अधिष्ठाई संपत्ति हो जाता है। ठीक है, अगला का क्वेश्चन, वह भूमि जिस पर भार अधिरोपित है कहलाती है, क्या अधिष्ठाई संपत्ति, अनुसेवी संपत्ति या फिर अधिष्ठाई स्वामी या फिर उपरोक्त में से कोई, भूमि की बात की गई तो स्वामी तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन ऐसे ही कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका अनुसेवी संपत्ति हो जाती है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, फायदा प्रत उपभोग से अभिप्रेत है आपका संभाव्य सुविधा, परोक्ष फायदा, मात्र सुख सुविधा या फिर उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह सुखाचार जिसका उपयोग मनुष्य के कार्य के लिए बिना जारी रहता है, तो वहाँ पे सतत सुखाचार,
असतत सुखाचार, प्रकट सुखाचार या फिर अप्रकट सुखाचार। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन एक सतत सुखाचार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा सीमित समय के लिए सुखाचार से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे सुखाचार की बात चल रही है, ना कि आपके संपत्ति अंतरण से, तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 6 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है वहाँ पर संपत्ति अंतरण में ढूंढने लगना कि धारा 6 में तो आपको बताएगा कि क्या अंतरण किया जा सकता है। ठीक है, वो सब चीजें नहीं। चिरभोग द्वारा अर्जन है तो कितने वर्ष शांतिपूर्वक उपभोग की आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12, 18, 20 या फिर 30। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है आपका 20 हो जाएगा। आवश्यकता के सुखाचार का जो है उल्लेखित कहाँ पर किया गया है, धारा 13 गा का गा अड़ा या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम संबंधित है आपका किससे, आपका उपरोक्त सभी से, उपरोक्त में से कोई से नहीं। ठीक है, आवश्यक को किया गया पट्टा है शून्य, शून्य करणी, वैध या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे शून्य। ठीक है, नोक्स बनाम राइस का मामला किससे संबंधित है, दान पट्टा विक्रय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम में कितने तरह के बंधक होते हैं, आपके 6 तरह के बंधक होते हैं। किस धारा में निहित हित परिभाषित किया गया है, तो निहित हित को जो है धारा आपके जो है 19 में जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, निहित हित को धारा 19 में परिभाषित किया गया है। टर्क बनाम मॉस्को का मामला संबंधित है किससे, निहित हित, समाश्रित हित या फिर स्पष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन या फिर शाश्वतता के विरुद्ध नियम से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजेश कांत राय बनाम शक्ति देवी का मामला संबंधित है आपका किससे, धारा 21, 35, 52 या फिर 53। तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे धारा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है, क्योंकि आपका पेपर पूरा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये पेपर जो है हम आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से पेपर ले लेना अगर जो आपको पढ़ना हो। ठीक है, वैसे आपको जो है वीडियो करवा दिया, आपको समझ में आना चाहिए, और अपनी अच्छे से पढ़ाई रखें, हम आपको जो है पूरा करवा देंगे, लेकिन थोड़ा जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, और थोड़ा जो है चीज़ें अपनी जो है अपने आप जो पढ़ाई करने का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टाइम देने का जो है टाइम रखिए, क्योंकि आपका 14 से एग्ज़ाम है और आज आपकी डेट 12 है, तो आपका जो है टाइम बचा नहीं है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए।